Lights, camera, action. Hello friends, welcome to the my YouTube channel Info Facts Vlogs. Please subscribe it and click on the bell icon. Videos pasand aaye to like karna aur share karna na bhule. अगर आप इस मानसून में फैमिली हॉलिडे के बारे में सोच रहे हैं और किसी खूबसूरत लोकेशन की तलाश कर रहे हैं तो आज की वीडियो आपके काम आएगी, क्योंकि आज की वीडियो में हमने मानसून में घूमने की कुछ बेहतरीन जगहों की जानकारी दी है। नंबर वन, दार्जिलिंग। जब बात मानसून में घूमने की सबसे अच्छी जगह की आती है तो दार्जिलिंग का नाम जरूर आता है। दार्जिलिंग भारत का एक बहुत ही ब्यूटीफुल एंड नेचुरल टूरिस्ट प्लेसेस है, जो अपने चाय के बागानों, हरे भरे पहाड़ों और अपनी खूबसूरती के लिए बहुत मशहूर है। लेकिन मानसून के मौसम में दार्जिलिंग की यात्रा करना यादगार साबित हो सकता है। मानसून के मौसम में दार्जिलिंग दुल्हन की तरह नजर आता है और एकदम हरा भरा हो जाता है। खूबसूरत नजारों के अलावा दार्जिलिंग टॉय ट्रेन के लिए भी काफी मशहूर है। टॉय ट्रेन में सफर करना और यहाँ के लुभावने नजारों को देखना पर्यटकों को एक खास अनुभव देता है। दार्जिलिंग की इस टॉय ट्रेन को यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की लिस्ट में भी जगह दी है। यहाँ के बड़े बड़े चाय के बागान धरती पर हरी चादर की तरह नजर आते हैं। इसके अलावा यहाँ की अद्भुत वादियाँ, बर्फ से ढके पहाड़, झरने पर्यटकों का मन मोह लेते हैं। यहाँ आप टाइगर हिल्स से सूर्योदय और सूर्यास्त का शानदार नजारा देख सकते हैं। सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि साफ मौसम में यहाँ से दुनिया की सबसे ऊंची छोटी माउंट एवरेस्ट साफ दिखाई देती है। यहाँ का रंग बिरंगा वैली पैसेंजर रोपवे पर्यटकों को खूब आनंद देता है। दार्जिलिंग में मानसून में घूमने के लिए टाइगर हिल्स, रंगीन वैली पैसेंजर रोपवे, कुरसोंग, जोर पोखरी, चटकपुर आदि महत्वपूर्ण स्थान है। नंबर टू, लोनावला। महाराष्ट्र में मुंबई से करीब 96 किलोमीटर और खंडाला से लगभग 5 किलोमीटर दूर स्थित है लोनावला, जो गुफाओं के शहर के नाम से मशहूर एक खूबसूरत, सुखद और चार्मिंग हिल स्टेशन है। यह स्थान महाराष्ट्र के पुणे जिले में स्थित है। वैसे तो आप यहाँ कभी भी घूमने जा सकते हैं, लेकिन मानसून में यहाँ घूमने का मजा ही कुछ और है। सह्याद्री पहाड़ियों पर स्थित यह स्थान बहुत हरा भरा और सुखद अनुभव देता है। यह समुद्र तल से 1800 फीट की ऊंचाई पर स्थित है और लगभग 40 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। यहाँ की 18 छोटी गुफाओं के कारण इसे गुफाओं का शहर भी कहा जाता है। खूबसूरत पहाड़ियों और झरनों के बीच बेहद खूबसूरत हिल स्टेशन का सुनहरा परिदृश्य हर किसी का मन मोह लेता है। मानसून के दौरान यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता में 4 चांद लग जाते हैं। लोनावाला में घूमने की जगहों में लोनावाला झील, टाटा झील, राजमाची किला, पावना बांध, बलवन झील और बांध, टाइगर्स लैप, बैरामीटर हिल्स, कुने पॉइंट, तुंगली झील और बांध, शिवाजी पार्क, राजमाची पार्क, बेडसा गुफाएं, भाजा गुफाएं, भुसीर शामिल हैं। नंबर थ्री, कूर्ग। कूर्ग कर्नाटक राज्य के मोस्ट अट्रैक्टिव हिल स्टेशन में से एक है। मानसून में यहाँ के मैदान और भी खूबसूरत और आकर्षक लगते हैं। भारत का स्कॉटलैंड कहा जाने वाला कूर्ग हिल स्टेशन अपनी प्राकृतिक सुंदरता के कारण पर्यटकों को खूब आकर्षित करता है। यदि आप मानसून में दक्षिण भारत की यात्रा पर जाना चाहते हैं तो हमारा सुझाव होगा कि आप एक बार कूर्ग हिल स्टेशन की यात्रा अवश्य करें। यहां स्थित 70 फीट की ऊंचाई से गिरने वाला एबी वाटरफॉल्स पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है। बारापोला नदी रिवर राफ्टिंग के रोमांच से भरी है। कूर्ग में ऐसी कई जगहें हैं जो मानसून में आपकी यात्रा को यादगार और रोमांचकारी बना देंगी। कूर्ग के पर्यटन स्थलों में तालाकावेरी स्थल, स्वर्ण मंदिर, नामद्रोलिंग मठ, किंग सीट पार्क, रिवर राफ्टिंग बारापोला नदी, कावेरी नदी का उद्गम स्थल तड़ियांडमोल हिल, इरुप्पु जलप्रपात, होन्नमना कैरे झील, ओंकारेश्वर मंदिर, मोदिकेरी किला, सोमवर पेटी स्थल, नीलाकांडी जलप्रपात शामिल हैं। नीलाकांडी जलप्रपात, ब्रह्मगिरी ट्रैक, मल्लली जलप्रपात, होनामन केरे झील, ब्रह्मगिरी ट्रैक, मल्लली जलप्रपात आदि साहसिक कार्य के लिए सर्वोत्तम स्थान है। नंबर फोर, पाचगणी। पाचगणी भारतीय राज्य महाराष्ट्र में मानसून में घूमने के लिए सबसे अच्छी जगहों में से एक है। वैसे तो आप साल में कभी भी पंचगणी घूमने जा सकते हैं, लेकिन मानसून के मौसम में यह बहुत खूबसूरत हो जाता है। पंचगणी 1300 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। मानसून के मौसम में जब पर्यटक इस स्थान पर आते हैं तो यहाँ का वातावरण बहुत ही हरा भरा दिखाई देता है। पंचगणी प्रकृति प्रेमियों और पर्यटकों के लिए स्वर्ग है।
मानसून के मौसम में पंचगनी की यात्रा करना आपको एक यादगार अनुभव देगा। पंचगनी एक हिल स्टेशन है और मानसून प्रेमियों के लिए बेहद खास जगह है। तेज गर्मी के बाद जुलाई के महीने में मानसून के मौसम की शुरुआत होती है, जिसके परिणाम स्वरूप तापमान में भारी गिरावट आती है। मानसून का मौसम क्षेत्र में वनस्पति की भरपाई करता है, वातावरण को सुखा देता है और शुष्क क्षेत्रों को हरे भरे परिदृश्य में बदल देता है। नंबर 5, वैली ऑफ फ्लावर्स, उत्तराखंड। वैली ऑफ फ्लावर्स राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड राज्य में स्थित है। इस हिल स्टेशन को 1982 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया था। हिमालय क्षेत्र में स्थित यह डेस्टिनेशन मानसून में घूमने की सबसे अच्छी जगहों में से एक है। बर्फ से ढके पहाड़ों से घिरी इस घाटी में फूलों की 500 से भी ज्यादा प्रजातियां हैं। यहां पाई जाने वाली जड़ी बूटियां और वनस्पतियां इस जगह को और भी आकर्षक और दुर्लभ बनाती हैं। यह पर्यटन स्थल भारत के सबसे खूबसूरत पर्यटन स्थलों में से एक है, जहां हर साल हजारों पर्यटक प्रकृति की सुंदरता और फूलों की खुशबू का आनंद लेने आते हैं। यहां की खूबसूरत वादियां, चारों तरफ बर्फ से ढकी चोटियां और हवा में फूलों की महक और यहां का अद्भुत नजारा आकर्षण का प्रमुख केंद्र है। मानसून में इसकी खूबसूरती और भी बढ़ जाती है। फूलों की घाटी में घूमने के लिए हेमकुंड साहिब, घांघरिया, गौरीकुंड, बेदिनी बुग्याल, बद्रीनाथ मंदिर, गोविंद घाट, वसुधारा झरना, भीम पुलमाना, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान आदि महत्वपूर्ण स्थान हैं। ऐसे ही कुछ अच्छी जानकारियां प्राप्त करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कर दें। धन्यवाद।